हम जामशोर में मौजूद हैं। जामशोर यूनिवर्सिटी हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से यहाँ के जो शहरी हैं, रहायशी हैं, उनका एहतजाज किया जा रहा है पानी की किल्लत की वजह से। आए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। एक गटर लाइन का मसला है जो खुला हुआ है, मच्छर और गंदगी हो रही है। दूसरा, पानी 20-20 दिन नहीं चलता है, अगर कभी चलाते हैं तो चौथे दिन पाँचवें दिन वो भी आधा घंटा चलता है। हम बिल अलग भरते हैं और उसके अलावा हम जो टैंकरों के पैसे अलग भरते हैं, 1000 रुपये हमें टैंकर पड़ता है। गरीब आदमी 10 टैंकर कितने पे उसके पैसे होते हैं, हम बंदा पेट पाले जाए टैंकर उतरवाए। तो हम कहते हैं बिल्कुल पानी चालू किया जाए, जो हमारे मसले वो हल किया जाए। जो बना पानी ना है, जो बना पानी ना है, जो बना सोसाइटी कहो जिंदाबाद, सोसाइटी कहो जिंदाबाद। अजो के इतिहास तमाम असाई साथियों समेत इतने आया हूँ तो सोसाइटी कोऑपरेटिव जे भी आया अचन था, सिर्फ इन सोन जड़ी जेका थाली है उनके खाण था अचन, प्लाटन के खाण था अचन, कब्जा कन था, को कम न तो थे। गुजरल 3 साल का वी इो वारो वटो लगो पे, बू एक मू अचे तो वरी उनके बदली था कन, उन पैसा वही था अचन, वो बो तो अचे, वो टों तो अचे। मन ही सोसाइटी यार ही प्रोफेसर की सोसाइटी है, ये पढ़ल लिखल एजुकेटेड सिटी की सोसाइटी है, लेकिन यकीन कर तो अज ही खंडराज की सोसाइटी है। असाजा मुतालबा असाजी सोसाइटी जो मुतालबा अस एक्शन कमेटी ठाई है तो बाबा सभी का पे तवो सोसाइटी कोऑपरेटिव जो कम है वो जैसे इतने आया हो तो इलेक्शन के लिए आया हूं, इलेक्शन कराने के लिए आया हूं। 3 साल का इलेक्शन नी थे, रुगो ये रिकवरी कन था, इलीगल रिकवरी कन था, इन को भी को 22 दिन हो गए यहाँ पे पानी नहीं है, पानी की किल्लत है और शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। यहाँ टैंकर माफिया है, ये जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर सज्जाद सुमरो है, यहाँ पे ये टैंकर चल रहे हैं लेकिन पानी इन्होंने 22 दिन से बंद किया हुआ है। कभी कह रहा है कि लाइट नहीं है, कभी कह रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, कभी कौन सा जवाब, कभी कौन सा जवाब, लेकिन एक्चुअली बात यह है कि वो ये चाहते हैं कि यहाँ पानी नहीं हो ताकि लोग महंगे दामों में इनसे टैंकर खरीदें और वो इसीलिए हमें परेशान किया हुआ है। आज हमने सुना है कि हमारे ये प्रोटेस्ट के बाद जब ये पूरी एहतजाज हुआ है तो ये कह रहे हैं कि आज हम बिल जमा करवा के और पानी चलाएंगे आज। और दूसरा ये कि अब देखते हैं कि अभी तक हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही मिली है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। दूसरा ये अहम मसला हमारे इलेक्शन का है, जो पिछले 2 साल से ये इलेक्शन नहीं कराया, ये डिपार्टमेंट से यहाँ पे कभी जैनगंज यहाँ पे अपॉइंट होता है, कभी फजल राव जो अपॉइंटमेंट होता है, कभी सज्जाद सुमरो अपॉइंटमेंट होता है, कभी शाह अपॉइंटमेंट होता है, कभी अबड़ो अपॉइंटमेंट होता है। यानी 2 साल के अंदर हर 60 दिन के बाद नया बंदा यहाँ अपॉइंटमेंट होता है और उसके बाद वो 60 दिन में जो माल बटोरना होता है यहाँ से माल बटोर लेता है। हमारे पास शवाहद मौजूद हैं कि इन्होंने विदाउट चालान के NOCs दी हुई, विदाउट किसी चालान के इन्होंने NOCs दी हुई है, टैंकर के पैसे लिए हैं, वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। अब हम इंशाल्लाह ताला कोर्ट में जाएंगे इनके खिलाफ और हम ये इनके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और वहाँ से इंशाल्लाह अनाउंस कराएंगे इलेक्शन वगैरह। इसलिए हमारा पुरजोर मुतालबा है सिक्योरिटी सोसाइटी से तो वो यहाँ के इन एडमिनिस्ट्रेटरों को हटा के, इंचार्जों को हटा के हमारे इलेक्शन अनाउंस करवाए और जल्द से जल्द हमारा मसला हल। आपने यहाँ पर मौजूद लोगों की बात सुनी, उनका कहना है कि हमें 20 दिन हो गए हैं कि पानी नहीं मिला है, पानी की किल्लत की वजह से इन्होंने एहतजाज किया है। जो साजिद सुमरो है वो करप्ट ऑफिसर है, इस वजह से इन्होंने एहतजाज किया है। कैमरामैन मुदस्सिर सुमरो के साथ गुलाम मुज्तबा खोकर, जेक टीवी न्यूज़।